गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज इस वीडियो में हम स्क्यूनेस के बारे में बात करेंगे लास्ट वीडियोस में हमने मोमेंट के बारे में बात किया था कि मोमेंट हम कैसे निकालते हैं मोमेंट अबाउट मीन निकाला था मोमेंट अबाउट ओरिचन निकाला मोमेंट अबाउट आर्बिट्री वैल्यू तो आज नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्क्यूनेस सबसे पहले है डेफिनेशन ऑफ स्क्यूनेस डेफिनेशन ऑफ स्क्यूनेस को डिस्कस करने से पहले हम ये पता करते हैं या हमें पता होना चाहिए भी स्क्यूनेस क्यों निकालते हैं हम किसी चीज की स्क्यूनेस हम इसलिए निकालते हैं ताकि हमें पता चले भी हमारी कर्व की डायरेक्शन किस तरफ है टुवर्ड लेफ्ट है या राइट right है अब डेफिनेशन ऑफ स्क्यूनेस को डिस्कस करते हैं मेजर ऑफ स्क्यूनेस टेल्स अस द डायरेक्शन एंड एक्सटेंड ऑफ द स्क्यूनेस मतलब वो हमें क्या बताता है भी उसकी डायरेक्शन किस साइड है टुवर्ड लेफ्ट या टुवर्ड राइट इन सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन द मीन मीड मोडियना मीडियन आर आइडेंटिकल इन सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन, मीडियन और मोड की वैल्यू क्या होती है इक्वल उस डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कहते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर उसके बाद नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ स्क्यूनेस दो टाइप की स्क्यूनेस है पॉजिटिव स्क्यूनेस और नेगेटिव स्क्यूनेस पॉजिटिव स्क्यूनेस में कहते हैं अगर हमारी लोंगर टेल बड़ी टेल टूवर्ड राइट right साइड हो उसको क्या कहते हैं हम पॉजिटिव स्क्यूनेस या फिर हम कह दें अगर टेल हमारी टूवर्ड पॉजिटिव वैल्यू हो तो वो कौन सी स्क्यूनेस होती है पॉजिटिव स्क्यूनेस अब इसकी कंडीशन है कहते अगर मीन ग्रेटर देन मीडियन ग्रेटर देन मोड है तो स्क्यूनेस कौन सी है पॉजिटिव कई बार टू मार्क्स का क्वेश्चन भी आ जाता है भी वो आपको मीन की वैल्यू दे दे मीन दे दिया थर्टी टू मीडियम दे दिया थर्टी और पूछ लेता है भी ये किस टाइप की स्क्यूनेस है पॉजिटिव या नेगेटिव अब हमें पता है मीन की वैल्यू क्या है थर्टी टू मीडियम की वैल्यू कितनी है थर्टी मीन इज ग्रेटर देन मीडियम इट मीनस ये कौन सी स्क्यूनेस है आपकी पॉजिटिव स्क्यूनेस फिर नेक्स्ट है नेगेटिव स्क्यूनेस नेगेटिव स्क्यूनेस में अगर आपकी लौंगर टेल टूवर्ड लेफ्ट साइड है या टू वर्ड नेगेटिव पोर्शन है तो स्क्यूनेस कौन सी है आपकी नेगेटिव कंडीशन क्या है मोड ग्रेटर देन मीडियन ग्रेटर देन मीन मतलब यहां पे बड़ी वैल्यू किसकी है मोड की अगर वो आपको वैल्यू दे मोड इज थर्टी फोर एंड मीन इज ट्वेंटी एट एंड बताओ बिस्क्यूनेस कौन सी है तो कंडीशन के अकॉर्डिंग मोड इज ग्रेटर देन मीन तो स्क्यूनेस कौन सा है आपका फिर नेगेटिव स्क्यूनेस कई बार टू मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी बन सकते हैं ऐसे ही अभी नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मेजर ऑफ स्क्यूनेस स्क्यूनेस को हम कैसे निकाल सकते हैं हमारे पास चार तरीके हैं या चार मेथड्स हैं पहला है कालपर्सनस कोफिशेंट ऑफ स्क्यूनेस सेकेंड इज बॉलेस कोफिशेंट ऑफ स्क्यूनेस थर्ड इज कैलिस कोफिशेंट ऑफ स्क्यूनेस एंड फोर्थ इज मेजर ऑफ स्क्यूनेस बेस्ड ऑन मोमेंट तो सबसे पहले हम बात करेंगे का कालपर्सन कोफिशंट ऑफ स्क्यूनेस की कालपर्सन कोफिशेंट ऑफ स्क्यूनेस का फॉर्मूला है मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन इसका एक और फॉर्मूला है थ्री मीन माइनस थ्री मीडियन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ये फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं है यह फार्मूला यहां से बना है मीन मोड मीडियन का एक एम्पेरिकल रिलेशन होता है मोड इज इक्वल टू थ्री मीडियन माइनस टू मीन इस वैल्यू को यहां रखो थ्री मीडियन माइनस टू मीन अपॉन में, में स्टैंडर्ड डेविएशन डेकेट्स खोलिए प्लस माइनस 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 प्लस ये बन जाएगा थ्री मीन माइनस थ्री मीडियन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन तो ये फॉर्मूला इसी से बना है आप पर्सन कोफिशेंट ऑफ स्क्यूनेस निकालने के लिए कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जो आपको ठीक लगे उसके बाद इसकी नेक्स्ट कंडीशन है अगर कहते मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड आए तो कोफिशंट ऑफ स्क्यूनेस की वैल्यू क्या आएगी जीरो अगर जीरो आए तो कर्व क्या है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन सेकेंड है अगर मीन ग्रेटर देन मोड है मीन की वैल्यू ग्रेटर देन मोड है या फिर कह सकते हैं मीन माइनस मोड ग्रेटर देन जीरो देन कोफिशेंट ऑफ स्क्यूनेस विल बी पॉजिटिव थर्ड है इफ़ मीन लेस देन मोड या कह दो मीन माइनस मोड लेस देन जीरो मीन को माइनस करें मोड से और रिजल्ट हमारा लेस देन जीरो आए लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव में आए देन कोफिशेंट ऑफ स्क्यूनस विल बी नेगेटिव इसमें काल पर्सन कोफिशंट ऑफ स्क्यूनेस हैज़ पॉजिटिव साइन फॉर पॉजिटिवली स्क्यूड एंड नेगेटिव साइन फॉर नेगेटिवली स्क्यूड मान लो आपकी वैल्यू पॉजिटिव आई तो उसके साथ आप पॉजिटिव साइन लगाएंगे अगर नेगेटिव आई तो साथ में क्या लगाएंगे हम उसके नेगेटिव साइन सेकेंड है हमारा बॉलेस कॉफिशेंट ऑफ स्क्यूनेस बॉलेस कॉफिशेंट ऑफ स्क्यूनेस में फॉर्मूला है हमारा Q3 थ्री प्लस क्यू वन माइनस टू एम डिवाइडेड बाई क्यू थ्री माइनस क्यू वन क्यू थ्री का मतलब है हमारा थर्ड क्वार्टाइल थर्ड क्वार्टाइल थर्ड क्वार्टाइल अब Q3 को निकालने का फॉर्मूला है L प्लस थ्री एन बाय फोर माइनस सी एफ डिडेड बाई एफ मल्टीप्लाई आई कई जगह यहाँ पे आई लिखा हुआ है कई जगह यहाँ पे एच लिखा हुआ है एल है लोअर लिमिट ऑफ द सिलेक्टेड क्लास इंटरवल सी एफ इज कॉमुलेटिव फ्रिक्वेंसी एफ इज फ्रिक्वेंसी आई इज द डिफरेंस बिटवीन द क्लास इंटरवल और कैपिटल एन है सम ऑफ फ्रिक्वेंसी और किसका चाहिए हमें क्यू वन का क्यू वन का मतलब है फर्स्ट क्वार्टाइल फर्स्ट क्वार्टाइल का फॉर्मूला है एल प्लस एन बाय फोर माइनस सी एफ अपोन एफ मल्टीप्लाई आई एम बताता है हमें मीडियन तो मीडियन का फॉर्मूला है एल प्लस एन बाय टू माइनस सी एफ अपोन एफ मल्टीप्लाई आई इसकी भी कंडीशन है कहते इफ क्यू थ्री प्लस क्यू वन थर्ड क्वार्टाइल प्लस फर्स्ट क्वार्टाइल का सम का रिजल्ट अगर बड़ा हो ट्वाइस ऑफ मीडियम से तो कोफिशंट ऑफ स्क्यूनेस क्या होती है फिर आपकी पॉजिटिव इफ क्यू थ्री प्लस क्यू वन का रिजल्ट लेस देन हो ट्वाइस ऑफ मीडियम से तो कोफिशंट ऑफ स्क्यूनेस क्या होती है नेगेटिव आपको ये टर्म पता होंगी तो ही आप बता पाओगे भी कोफिशंट ऑफ स्क्यूनेस पॉजिटिव है या नेगेटिव है फिर थर्ड है कैलिस कोफिशेंट ऑफ स्क्यूनेस फॉर्मूला क्या है डी नाइन प्लस डी वन माइनस ट्वाइस ऑफ डी फाइव अपॉन डी नाइन माइनस डी वन डी नाइन का मतलब है नाइन्थ डिसाइल तो फॉर्मूला एल प्लस नाइन एन बाय टेन माइनस सी एफ अपोन एफ मल्टीप्लाई आई एल आप यहाँ लिख लो चाहे एल प्लस मतलब ये एल अलग है और इस सारी वैल्यू ये अलग है फिर d1 d1 का मतलब फर्स्ट फर्स्टाइल l प्लस एन बाई टेन माइनस सी एफ अपोन एफ मल्टीप्लाई आई फिर m मीडियन या आप d5 कर सकते हैं d5 का फॉर्मूला l प्लस फाइव एन बाय टेन माइनस सी एफ अपॉन एफ मल्टीप्लाई आई आई इज डिफरेंस बिटवीन द क्लास इंटरवल क्लियर फिर नेक्स्ट है हमारा कोफिशेंट ऑफ स्क्यूनेस बेस्ड अपॉन मूवमेंट मोमेंट हम निकाल चुके हैं अब यहाँ पे ये जो थ्री है म्यू थ्री का मतलब है आपने थर्ड मोमेंट निकालना है किसके अबाउट मीन के अबाउट तो ये टर्म हम मोमेंट में भी यूज कर चुके हैं तो कहते हैं कोफ़िशेंट ऑफ स्क्यूनेस बेस्ड अपॉन मोवमेंट में फॉर्मूला क्या है म्यू थ्री का स्केयर अपॉन म्यू टू का क्यूब पर फिशर ने ये चीज़ सुजेस्ट की क्योंकि हमें यहां से ये नहीं पता चल रहा था कि स्क्यूनेस पॉजिटिव है या नेगेटिव तो उन्होंने क्या किया हमें एक टर्म दी गामा वन। गामा गामावन किसके इक्वल है स्केयर रूट ऑफ बीटा वन के फॉर्मूला यहाँ लिखा म्यू थ्री अपोन म्यू टू टेस्ट टू पावर थ्री बाय टू फिर उसने कहा अगर म्यू थ्री का रिजल्ट मतलब जो आपकी वैल्यू है स्क्यूनेस की वो किस पे डिपेंड करती है म्यू थ्री से म्यूथ्री से पता चलेगा भी आपकी टर्म पॉजिटिव स्क्यूड है या नेगेटिव स्क्यूड है पहला वैन म्यू थ्री इक्वल टू जीरो गामा वन इज इक्वल टू ज़ीरो इट मीन्स वहाँ पर कोई भी स्क्यूनेस नहीं है सेकेंड वैन म्यू थ्री ग्रेटर देन जीरो और गामा वन

फाइंड द मेजर ऑफ स्क्यूनेस बेस्ड ऑन डिसाइल तो डिसाइल वाली टर्म किस में है कैलिस कोफिशेंट ऑफ स्क्यूनेस में कई बार तो वो मैथमेटिशियन का नाम लेके क्वेश्चन पूछता है कई बार वो टर्म पूछ लेता है तो उस टाइम हमें पता होने चाहिए भी डिसाइल कहाँ यूज़ हो रहे हैं क्वाटाइल कहाँ यूज़ हो रहे हैं तो इस वीडियो में हम यहीं तक डिस्कस करेंगे थैंक यू